हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू समरानास किचन। आज हम बनाएंगे तुअर दाल बहुत ही आसान तरीके से। तुअर दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है तुअर की दाल 300 ग्राम। दाल को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम पानी इतना डालेंगे कि दाल के ऊपर तक के पानी रहे। उसमें हम एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और 7 से 8 सीटी देंगे। सीटी देने के बाद हमारी दाल गल गई है। हम प्रेशर कुकर का प्रेशर सेटल डाउन होने देंगे और उसे ठंडा होने देंगे। दाल ठंडी होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई में या पतीले में हम दाल निकाल लेंगे। अब हम दाल को डाइल्यूट कर लेंगे पानी से। जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए हम अपने हिसाब से इसे डाइल्यूट करेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। और हरा धनिया ऐड करेंगे। और हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। दाल को उबलने के लिए हम इसे प्लेट से कवर करके रख देंगे। आइए हम देखते हैं दाल बॉईल हो रही है। थोड़ा झाग नज़र आ रहा है हमें, मीन्स हमारी दाल अच्छी तरह बॉईल हो रही है। हम इसे और चलाकर थोड़ा सा और बॉईल होने देंगे। दाल को हम 2 मिनट और बॉईल होने देंगे। अब हमारी दाल पूरी तरह बॉईल हो चुकी है। इसमें हमें झाग नज़र आ रहा है, अच्छा मतलब हमारी दाल पक चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे। दाल को अब फाइनली हमें तड़का देना है, तो तड़के को अब हम तैयार कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हम 1 स्पून में ऑयल डालेंगे, उसे लो फ्लेम पर गरम करेंगे। तड़के के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तेल, फिर लहसुन, ज़ीरा और करी पत्ता। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को हम धीरे धीरे ब्राउन होने देंगे। लहसुन ब्राउन होने के बाद हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। हम लहसुन के साथ ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता हमें बहुत ही केयरफुली ऐड करना है। करी पत्ता ऐड करने पर तेल के छींटे भी उड़ सकते हैं।
इसे हम पूरा अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद में इसे हम ऐड करेंगे दाल में। तड़के को हम ऐड करते हैं दाल में। हमें ये बात ध्यान रखना है, जैसे ही हम तड़के को दाल में डालें प्लेट तुरंत ही कवर करना है। तो अब हमारी दाल रेडी है सर्व करने के लिए। तुअर की गरम गरम दाल और चावल का अलग ही मज़ा। दाल के बिना खाने की थाली इनकम्प्लीट है, तो आप भी बनाइए दाल और थाली को कीजिए कम्प्लीट। क्योंकि तुअर दाल में काफ़ी मिकदार में फाइबर होता है, इससे कब्ज़ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है और फाइबर लेने से दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे स्ट्रोक वगैरह नहीं होता। तुअर दाल को प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।